हेलो भाइयों, मैं अरुण पवार। भाई हमने आपको बहुत भाइयों के कार कलेक्शन दिखाए हैं। एक दिन सोते हुए मेरे ही दिमाग में आया, यार दो चार गरीब गाड़ी तो हमारे पास भी हैं, उनको भी हम आपके साथ एक साथ फ्रेम में खड़ा करके क्यों ना शेयर करें भाई। अब ऐसे हमारे पास करोड़ों का तो माल नहीं है भाई, लेकिन जितना भी है अपने दम पे और अपने स्क्रैच से कराया ना, तो उस चीज़ की बड़ी खुशी होती है। अब भगवान की सीधी निगाह रही तो भाई और थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में अरुण पवार का कार कलेक्शन आज आप लोग देखने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं भाई, ज़्यादा क्यों टाइम खींचे। तो सबसे पहली बात करूँगा मैं, मेरे पास सबसे पहली ये किया सेल्टोस है भाई, जो इतना प्यार है ना इससे, जो एक फैमिली मेम्बर जिससे बोलते हैं ना, ये वो बन चुका है। इसको बेचने का कभी सपने में भी ख्याल नहीं आ सकता। ये मैंने 2020 में ली थी अगस्त के अंदर, अभी इसको 3 साल हो जाएंगे, अभी 24-25 तारीख को मैंने अगस्त में 2020 में ली थी। तो 3 साल में 50-55 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। इतनी तगड़ी गाड़ी भाई, डीजल के अंदर इतनी तगड़ी गाड़ी कि इससे ज़्यादा मुझे अच्छी अभी तक कोई गाड़ी नहीं लगी है। और कहीं ना कहीं आप इससे इसलिए भी ऐसे कह सकते हो, मेरी भाई अटैचमेंट इससे इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये आप कह सकते हो कहीं ना कहीं फर्स्ट अर्निंग से गाड़ी पूरी कंप्लीटली ये थी। जैसे और बाकी बलेनो वलेनो ली थी, उनमें थोड़ा शेयरिंग वेयरिंग होता है, लेकिन इसमें टोटली अगर एक एक पैसा अपना हो तो उस चीज़ की खुशी और उस चीज़ की जो वैल्यू होती है ना, वो जब जैसे अभी जो मेरे से छोटे भाई होंगे, भाई से नीचे, वो समझ पा रहे होंगे, वो मतलब अभी एक्सपीरियंस करेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन जो भाई जैसे मेरे से बड़े होंगे इसमें, उनको पता होगा जिनके पास फर्स्ट अपनी गाड़ी रही होगी कि ये स्पेशल कितनी फीलिंग होती है भाई। और इस पे ये रैंडम नंबर आया था HR30W1143, एकदम रैंडम, क्योंकि अब वो ये फर्स्ट उससे ली थी तो भाई इतना पैसा था नहीं कि 20,000 रुपये का स्पेशल नंबर खरीदा जाए, इसलिए रैंडम नंबर आ गया। लेकिन विधि का विधान देखो, मालिक का इतना वो साथ रहा कि हमने भाई इसको सीरीज में ही कंटिन्यू कर दिया और हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट आ जाती है हमारी ह्यूंडई की क्रेटा। अभी बहुत भाइयों के डाउट हो रहा होगा, यार एक किया सेल्टोस होते हुए ह्यूंडई की क्रेटा क्यों? भाई देखो, जो भाई बहुत मंदे टाइम से जुड़े हुए हैं, ये हमारे अजीत भैया गाड़ी है जो हमारे ताऊ के लड़के हैं, तो इस ये गाड़ी उनसे बिलोंग करती है, तो फैमिली में है ये गाड़ी। मतलब मैं पर्सनली इसको खुद ऑन नहीं करता हूँ, मैंने इसके पैसे नहीं दिए, जो हमारे ताऊ हैं उनकी ये गाड़ी है, वो इसके पैसा देते हैं। तो हमने लेकिन अपना जो नंबर है वो कंटिन्यू रखा है। ये पेट्रोल के अंदर है, ये एस वेरिएंट है, ये बेस मॉडल है HT, जो मैंने कन्वर्ट करवा रखा है पूरी तरीके से अपना टॉप वेरिएंट में। तो ये क्रेटा एस हमको 14-14.5 के लगभग पड़ा था पेट्रोल के अंदर, ये मेरे को पड़ी थी 11,70,000 रुपये की, लेकिन आजकल इसकी कीमत भाई आसमान छू रही है, 14.5 लाख रुपये की बेस मॉडल डीजल में हो चुकी है IMT के अंदर। तो ये ह्यूंडई क्रेटा भी बहुत स्पेशल है भाई, बहुत प्यारी गाड़ी है। स्मूथनेस के मामले में, माइलेज के मामले में और रिलायबिलिटी के मामले में ह्यूंडई का कोई तोड़ नहीं है, ये भी बहुत अच्छी लगती है गाड़ी देखने में। तो ये दो गाड़ी ऐसी हैं हमारी कलेक्शन में ना, जो जिनको कहीं भी ले जाने से पहले ना तो तेल की सोचना पड़ता, ना ये सोचना पड़ता किलोमीटर रीडिंग्स की, मतलब कोई टेंशन नहीं होती कि भाई कोई कभी धोखा देंगी या कुछ भी। ये उन टाइप की गाड़ियां हैं, ना कोई स्पेस की दिक्कत होती, ना पार्किंग की दिक्कत होती, अपना बेस्ट है, बस चलाया जाओ तेल डाल के और चलाया जाओ। इनसे आप कुछ खुराफात नहीं कर सकते कि ऑफ रोडिंग में दे दी, खेत में घुसा दी, वो वाली चीज़ इनके लिए बनी नहीं है। अब जो चीज़ इनके लिए बनी हुई है वो हमारे कलेक्शन में बहुत ज़्यादा स्पेशल है भाई। अब उनकी तरफ बढ़ते हैं, ये हो गए हमारे ऐसे डेली ड्राइवर, पापा ले गए। तीसरी जो गाड़ी है, अब देखो जो ये दोनों गाड़ियाँ हैं ना, क्रेटा और नेक्स्ट जो स्कॉर्पियो एन, आप फ्रेम में अभी तक देख चुके होंगे, ये दोनों बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल गाड़ियाँ हैं भाई हमारे बीच में, मार्च के महीने में बड़ी क्लेश भी करवाती हैं बहुत ज़्यादा। और क्या ही बोलूँ भाई यार, ये बड़ी स्पेशल बन चुकी है उन कारणों की वजह से भी ये दोनों गाड़ियाँ ना। तो अब इस पे आते हैं, ये मैंने खरीदी भाई पर्सनली, ये हमारी स्कॉर्पियो एन अभी सितंबर में 2022 के अंदर ये रिसेंटली 26 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ी है। उसी चीज़ को हम फॉलो करते हुए 11:43, मैं कह रहा हूँ ना वो रैंडम नंबर आया, लेकिन विधि का विधान 11:43 बाद 11:44, तो ये इस तरीके से सिस्टम बैठा है। और एक और संजोग की बात देखिए भाई, जो किया सेल्टोस हमारी 2020 परचेज्ड, ये 2021 और ये हमारी 2022, देख रहे हो एक स्टेप सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं हम। सभी भाइयों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इस सपोर्ट के लिए। बस भाई वही है, अपना काम करते रहो, हमेशा एक चीज़ में सक्सेस मिलती है, लेट हो सकते हो लेकिन मिलेगी ज़रूर अगर कंसिस्टेंटली किसी काम को करते रहोगे। भाषण नहीं दूंगा, इसके बारे में डिटेल देता हूँ। 26 लाख रुपये की स्कॉर्पियन 4x4 ZDTL टॉप मॉडल। यहाँ पे अब एक और चीज़ देखिए भाई, मैं ये जो आपको मोटिवेशन सी दे रहा हूँ इसका एक और चीज़ बताता हूँ। जब हमने सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी भाई, हमने खरीदी थी HT डीजल बेस मॉडल खरीदा था, एकदम बेस। उसके बाद भाई थोड़ा ग्रो करे, फिर हमने खरीदा बीच वाला एस मॉडल। उसके बाद भाई फिर और थोड़ी मेहनत करी तो हम खरीद पाए भाई फुल कैश हमारी ये ZDTL लग्जरी टॉप मॉडल 4x4। इससे ऊपर कुछ आता ही नहीं है ऑटोमेटिक को छोड़ के, ये मैनुअल के अंदर भाई बहुत बढ़िया गाड़ी है। 7 सीटर वैल्यू फॉर मनी जिससे कहते हैं, ये उन टाइप में से गाड़ी है। ऐसी गाड़ी इसके कंपटीशन में कोई नहीं है भाई, मतलब 4x4 कैपेबिलिटीज, 2200cc का एमोक डीजल इंजन, 175 bhp निकालती है। तो मुझे किया सेल्टोस रखने के बाद, मेरे पे एक थार भी थी, वो मैंने सेल आउट कर दी भाई क्योंकि इसको आने के बाद मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट लग नहीं रही थी।
अगर वो भी होती तो वो भी आज कलेक्शन में खड़ी रहती तो अच्छा लगता, लेकिन हमारे घर में चलाने वाला ज़्यादा है नहीं, तो मुझे फिर जंग लगाने का कुछ ऐसे ज़्यादा फ़ायदा दिखता नहीं है, तो इसलिए 4x4 में अच्छा मज़ा ये दे देती है, नो डाउट। लेकिन अब आया भाई 2023, अब आप सभी को पता होगा भाई थोड़ा सा चुल उठती है भाई बंदे को कि यार हर साल कुछ ना कुछ ले रहे हैं, इस साल भी कुछ ना कुछ तो बनता है। अब जब हमने सेल्टोस चला ली, क्रेटा चला ली, एन चला ली, इससे ऊपर कौन सी गाड़ी आती है? एन के और फॉर्चुनर के बीच में जीप कंपस मेनली गाड़ी रह जाती है। अब मुझे एमपीवी का शौक नहीं, जैसे इनोवा वगैरह हो गई, तो उसके बीच में भाई जीप कंपस तो हम लेने से रहे, तो फिर मन उठता है कि यार फॉर्चुनर लेते हैं यार, फॉर्चुनर ही एक बजट आता है। लेकिन फॉर्चुनर का जब जाके टोयोटा शोरूम में वो देखा, चिट्ठा सा पेज देखा, उठा के हमने जोड़ लिए हाथ, भैया इतने भी ग्रो नहीं कर पाए हैं कि 50 लाख रुपये किसी गाड़ी में ठूस दे, इससे अच्छा ये जो जिसमें हम खड़े हैं ये ऐसा कोई खेत खरीदेंगे 50 की जगह, हमको भाई आने वाले टाइम में 5-6 साल रख गए अपने एरिया में डेवलपमेंट वाले में तो 2-2.5 करोड़ रुपए दे जाएगा, उसकी वैल्यू 10-5 साल बाद कुछ नहीं रह जाएगी। तो ऐसे करके मैंने दिमाग लगाया और मैं निकल गया खोज में, और मेरे को फॉर्चुनर से भी तगड़ी एक चीज़ मिली जिसको कहते हैं भाई फोर्ड की एंडेवर। ये रिसेंटली मेरी कलेक्शन में मेरी पर्सनल बहुत ज़्यादा फेवरेट गाड़ी बन चुकी है। जब से मैंने गाड़ी परचेज करी है अभी थोड़े दिन पहले ही यार, इसको 1.5-2 महीने हुए हैं बस मात्र, भाई मैंने ना स्कॉर्पियो एन की तरफ देखा है, ना मैंने सेल्टो चलाई है, और क्रेटा तो भूल ही जाओ। तो यार इसका मजा मैं बताऊं क्या है, 3200 सीसी का इंजन, 4x4, दो मॉडल टाइटेनियम, ये सेकेंड हैंड मैंने 24.5 लाख रुपये खरीदी, जिसके बाद मैंने इस पर 3 लाख रुपये इसकी कॉस्मेटिक चीज़ों में लगाए, जैसे कि फ्रंट ग्रिल हो गई है, मतलब रैप्टर किट हो गई, इस पर पूरी पे PPF करवाना, मतलब नया बनाने वाला, तो ये मेरे को 24.5 और फिर इसका इंश्योरेंस कर लो तो 28 लाख रुपये के लगभग मुझे ये गाड़ी भी मेरी पड़ गई। और जो मज़ा ये गाड़ी देती है मेरे को फोर्ड एंडेवर भाई चलाने में, इनमें से कोई भी गाड़ी मैच नहीं कर पाएगी भाई, इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है, जो ट्रू साइज SUVs कहते हैं ना, दैट्स रियली रियली लव। तो भाई देखो, हम बड़े बोल नहीं बोलेंगे कि हम पे ये करोड़ वो करोड़, ये 10 करोड़ 5 करोड़, ये इतने करोड़ हमारे माँ बाप ऐसे थप्पड़ लगाएंगे कहेंगे इतने कहीं प्लॉट फ्लूट खरीद ले तो खरीदवाएं गाड़ी, ये भी जान जैसे तैसे जुड़ गई भाई। फोर्ड एंडेवर आने के बाद भाई स्कॉर्पियन को तो मैं भूल ही गया हूँ, क्योंकि महिंद्रा ने वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बना तो दी है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है फोर्ड के यार, उसके ड्राइविंग जो डायनेमिक्स है वो इनमें नहीं होगी। तो भाई अगर मैं वैसे भी आपको बताना चाहूँ, 1170 की ये हो गई, 14 लाख की ये हो गई, और इसकी ये हो गई अपनी 26 लाख की, ये लगा लो 28 लाख की, जब भी 1 करोड़ नहीं बैठ रहा है। और ये चीज़ मैं खुश हूँ भाई मैं इस चीज़ में कि मैंने इतना ज़्यादा पैसा गाड़ियों में इन्वेस्ट नहीं करा, ये मतलब मैं सीरियसली इस चीज़ का खुश है कि अगर मैं खुद भी सुनता ना 1 करोड़ रुपये लग गए गाड़ियों में, तो मैं खुद ऐसे कहता रिग्रेट सा होता यार इतने नहीं लगाने थे यार। तो भाई ये अपनी कार कलेक्शन छोटी मोटी सी, किया सेल्टोस, ह्यूंडई क्रेटा, स्कॉर्पियो एंड फोर्ड एंडेवर। आपकी पर्सनल फेवरेट इनमें से कौन सी गाड़ी है आप ज़रूर बताइए, मुझे तो पर्सनल अभी फ़िलहाल फोर्ड एंडेवर भाई सबसे बेस्ट लगती है, और ये कलेक्शन में मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की कमी है। एक सेडान की मैं सोचता हूँ बहुत बार कि एक ह्यूंडई वरना खरीदी जाए, लेकिन भाई उसका डीजल इंजन बंद करके ना ह्यूंडई वालों ने बहुत कस्टमर्स का दिल तोड़ा है, उनमें से एक मैं भी हूँ, तो उनको छोड़ो गोली मारो, हमको SUVs का शौक है, इसीलिए आपको ज़्यादातर हमारे कलेक्शन में गाड़ियाँ SUVs ही दिखेंगी और सेम नंबर के साथ। तो ये था भाई पूरा कलेक्शन अरुण पवार का, इससे अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कोई बताता है या इससे कोई कम बताता है तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा होगा, चाहे यूट्यूब पर चाहे कहीं भी। ये था पूरा टोटल कंप्लीट हमारा वीडियो, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और भाई मेहनत करते रहो, आप भी ज़रूर ऐसा बना लोगे और इससे भी बढ़िया बना लोगे, और कितने लोगों ने बना रखे हैं भाई, मैं तो ऐसे नहीं कहता कि हाय मेरा कितना अच्छा, जितना है बहुत बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत बहुत सेटिस्फाइड हूँ, थैंक यू सो मच।